पूरी दुनिया में मचेगा, बवंडर बजेगा भारत के नाम का डंका। जी हाँ दोस्तों, भारत बनने जा रहा है दुनिया का नंबर वन हथियार एक्सपोर्टर। पूरी दुनिया में मचेगी तबाही, भारत की 114 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना पर आई चौंकाने वाली खबर। दुनिया की सबसे टॉप हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन हैरान। दोस्तों, भारत की 114 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना यानी MRF डील में लॉकहीड मार्टिन को हम सब लोग बिल्कुल राइट ऑफ करके चल रहे थे कि भारत सबका लड़ाकू विमान खरीद लेगा, लेकिन लॉकहीड मार्टिन का जो है वह तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। लेकिन आज लॉकहीड मार्टिन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, इसने दुनिया को दिखा दिया है कि क्यों यह नंबर वन पर आती है वर्ल्ड में हथियार बनाने में भी, बेचने में भी और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में भी, और कैसे, तो वह इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत को आगे बढ़ते देख कुछ देशों में भूचाल आ गया है, तो वहीं सबसे पहले फ्रांस का नाम निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल फ्रांस ने भारत के साथ जितना अच्छा किया है उतना ही बुरा किया है। फिर दूसरे नंबर पर है अमेरिका। ये देश जितना अच्छा दिखता है उतना है नहीं, इस देश की क्या ही बात करें। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री की और भारत सरकार की नंबर वन प्रायोरिटी है कि वायुसेना में जो पुराने लड़ाकू विमान हैं उन्हें तुरंत हटाना और उनकी जगह जल्द से जल्द 114 लड़ाकू विमान खरीदना, इसी डील को कहा जा रहा है MRF डील। और आपको बता दूं कि कई लोग सोच रहे हैं कि कई साल से लड़ाकू विमान की डील खींच रही है लेकिन ये हो नहीं पा रही, तो आपको बता दूं अब ऐसा नहीं है, अब इसे मोस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है और बहुत ही जल्द आप सुनेंगे कि भारत इस डील को अब कंप्लीट करने जा रहा है। लेकिन इस डील में कौन कौन से लड़ाकू विमान भारत को ऑफर हुए हैं? इसमें भारत को कुल 8 से ज़्यादा लड़ाकू विमान ऑफर हुए अलग अलग देशों से, लेकिन 3 भारत के टॉप टारगेट पर थे, यानी कि यह कहा जा रहा था कि इन तीनों में से ही कोई एक लड़ाकू विमान चुना जाएगा। पहले नंबर पर आ रहा था फ्रांस की कंपनी Dassault Aviation का राफेल लड़ाकू विमान, दूसरे पर था अमेरिका का F-15X, तीसरे पर था यूरोपियन देशों का यूरोफाइटर टाइफून, जिसे कि कई यूरोपियन देशों ने मिलकर बनाया है, जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन। इसके अलावा एक चौथा कंटेंट और था जो कि अमेरिका की ही बोइंग कंपनी का सुपर हॉर्नेट था, और कहा जा रहा था कि इन 3-4 देशों में से ही कोई एक लड़ाकू विमान सिलेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि रूसी फाइटर जेट हमें ऑफर नहीं हुए थे, क्या बिल्कुल हुए थे? रूस का सुखोई 35 ऑफर हुआ था, लेकिन भारत ने उसे किनारे कर दिया क्योंकि ऑलरेडी उसका छोटा भाई AU-30 हमारी सेना में शामिल है और जो सुखोई 35 है वह चीन के पास भी है। ऐसे में उससे हमें चीन के ऊपर कुछ खास एडवांटेज नहीं मिलने वाला था। यही कारण है कि रूसी फाइटर जेट को हमने किनारे कर दिया, इन 3 पर ही फोकस था। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी हथियार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को उल्टा कर दिया है। दरअसल इस पूरे लड़ाकू विमान के पायदान में सबसे लास्ट पर था लॉकहीड मार्टिन का F-21। दरअसल जो अमेरिका के F-16 आता है उसी का यह एक अपग्रेडेड वर्जन है। दरअसल आप ऐसे समझिए कि F-16 में आपने कुछ फीचर डाल दिए हैं F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के, जैसे कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, जिसके कारण यह F-16 के मुकाबले और ज़्यादा हल्का सा स्टेल्थ हो गया। जो एडवांस रडार है वही इसे पकड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें वही हेलमेट दिया गया है पायलट को जो F-35 में दिया जाता है, उसकी मदद से पायलट पूरे फाइटर जेट के आर पार देख सकता है, जिससे कि डॉग फाइट के दौरान यानी कि किसी दुश्मन देश के लड़ाकू विमान से हवा में लड़ाई के दौरान पायलट का विजन ब्लॉक नहीं होगा, वह बड़ी आसानी से फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा, उसे मारकर गिरा देगा। इसके अलावा F-16 के मुकाबले एविनिक्स 50 पर तक बेहतर कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा एडवांसमेंट की गई है और इसमें अन्य हार्ड पॉइंट जोड़े गए हैं और ज़्यादा मिसाइलों के लिए, यानी कि देखा जाए तो F-16 का बड़ा भाई है F-21, लेकिन इस फाइटर जेट को कहीं पर भी एडवांटेज नहीं दिया जा रहा था। सबको लग रहा था कि यह लिस्ट में लास्ट ही रहेगा, लेकिन आज लॉकहीड मार्टिन ने इस लिस्ट को उलट पुलट करके रख दिया है। दरअसल आज लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है उसके CEO ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सीधी बातचीत करी है, बैठक करी है, और इस बैठक के बाद ऑफिशियल बयान भी आया है जिसमें लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि अब भारत और लॉकहीड मार्टिन
एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जिसके तहत अपना एक प्रॉपर बेस स्थापित करेगी। भारत में लॉ का हीड मार्टिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, जहां पर मास प्रोडक्शन होगा हथियार का। इतना ही नहीं, भारत से बनाकर ये एक्सपोर्ट भी करेंगे हथियारों को। लेकिन जो बैठक का मेन मुद्दा है, बताया जा रहा है कि वह है F-21 की डील लॉकहीड। मार्टिन चाहती है कि हर हाल में 114 लड़ाकू विमान की डील जो है वह इन्हें ही मिले, भारत को बनाकर ये बेचे। और इसके बदले में ये भारत को ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि एक बार को आपकी आंखों में भी चमक आ जाएगी। क्या है ऑफर? सबसे पहला ऑफर तो ये है कि जो F-21 लड़ाकू विमान होगा वह एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए होगा, वह अमेरिकी सेना को भी इसे नहीं देंगे। इससे फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि मान लीजिए सुखोई 30 लड़ाकू विमान है भारत ने रूस से खरीदा अरबों डॉलर खर्च करके, लेकिन रूस ने क्या किया, कुछ ही सालों के बाद वही सुखोई 30 चीन को बेच दिया। इससे हुआ ये भारत का चीन के ऊपर जो एडवांटेज था वह खत्म हो गया, सरप्राइज फैक्टर रहा ही नहीं। और उन सुखोई 30 का हम मैनली इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के केस में भी यही हुआ है हमारे साथ। कैसे? दरअसल हाल ही में कतर ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे फ्रांस से। अब जो कतर है वह पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशन रखता है, इसीलिए दोनों देशों के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ। और इस युद्धाभ्यास के दौरान खबर आई कि जो पाकिस्तानी वायु या सेना के ऑफिसर्स हैं उन्हें राफेल लड़ाकू विमान का एक्सेस मिला वहां पर। और ऐसे में यह भारत के लिए चिंताजनक खबर हो जाती है, क्योंकि जब यह पाकिस्तान को ऑफिशियल एक्सेस दे सकते हैं तो चीन को क्यों नहीं? अगर भारत के लिए कोई एक्सक्लूसिव फाइटर जेट होगा तो इससे हमें इस नुकसान से बचत मिलेगी। इसके अलावा दूसरा ऑफर हमें यह दिया जा रहा है कि F-21 100% भारत में ही मैन किए जाएंगे। इसके लिए ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय कंपनी टाटा के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। लेकिन इससे भी भयंकर ऑफर यह है कि लॉकहीड मार्टिन भारत में ही C-130 जय, जिसे दुनिया का मोस्ट एफिशिएंट सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 वह भारत में ही मैन्युफैक्चर करने को तैयार है। और यह ना सिर्फ इसे भारतीय वायुसेना को बेचेंगे बल्कि भारत में बनाकर ऑर्ट भी करेंगे। यानी कि देखा जाए तो भारत को एक भयंकर ऑफर दिया जा रहा है, और इसे देखकर भारत की आंखों में चमक तो जरूर आएगी। और यही कारण है कि जब पीएम मोदी बैठक कर रहे थे लॉकहीड मार्टिन के सीईओ के साथ, तो वह अकेले नहीं थे, उनके साथ अजीत डोवा भी थे। यानी कि अगर आने वाले समय में भारत F-21 फाइटर जेट को कंसीडर करें तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। और इसीलिए मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका जो F-1 है उससे कितने कंपोनेंट शेयर करता है, उससे कितना अलग है, इसकी खासियत और कमियां क्या क्या होने वाली है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।